गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज देखेंगे क्लास सेवन का एक्सरसाइज वन सी। इसके पिछले वीडियो में एक्सरसाइज वन सी जो बता दिए थे वन डी को देखेंगे। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज क्लास सेवन है ना, एक्सरसाइज वन डी को देखें बच्चों। और सब्जेक्ट आपका मैथ है, ठीक है बच्चों। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर वन है बच्चों, वन सिक्स। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों, वन डी में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मार्क अगेंस्ट करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना बच्चों। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर वन सिक्स है, माइनस फिर माइनस एट बच्चों, ठीक है, इक्वल टू भाट बच्चों, ठीक है। यहाँ देखेंगे सिक्स माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस एट। तो एट और सिक्स को जब ऐड करेंगे बच्चों तो एट और सिक्स क्या हो जाएगा, फोर्टीन हो जाएगा। ये आपका क्या है आंसर आ जाएगा। इसी का क्वेश्चन नंबर टू भी इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं, चलिए। बाय हाउ मच डज टू एग्जीड माइनस थ्री, बोला जा रहा है बच्चों। माइनस टू माइनस जो टू है बच्चों, टू में क्या घटाया जाए कि माइनस थ्री प्राप्त हो जाए, है ना। तो टू में क्या घटाया है, तो मान लेते हैं हमने मान लेते हैं लेट लेट ए नंबर इक्वल टू एक्स, या लेट एन रिक्वायर्ड नंबर, है ना बच्चों। तो लेट ए नंबर इक्वल टू एक्स, बोला जा रहा है टू में क्या घटाया जाए कि प्राप्त कितना हो जाता, माइनस थ्री हो जाता। तो देखिए बच्चों यहाँ पर करेंगे, अब जो है यहाँ इसको जो है माइनस टू पट करेंगे तो टू उधर हो जाएगा एक्स, नहीं तो इसी को एक्स को उधर करेंगे और माइनस थ्री को इधर करेंगे बच्चों। तो टू यहाँ आ जाएगा, माइनस प्लस थ्री आ जाएगा उधर जाएगा, तो जो है एक्स हो जाएगा, नहीं बच्चों। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा, ठीक है बच्चों। यही संख्या निकल गया है ना। चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर फोर को देखेंगे। फोर है, भाट मस्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम माइनस वन टू गेट माइनस सिक्स। अब बोला जा रहा माइनस वन में क्या घटाया जाए कि माइनस सिक्स प्राप्त हो। तो फिर वही बात है, लेट लेट ए नंबर इक्वल टू एक्स, है ना बच्चों। अब यहां देखिए माइनस वन में क्या घटाया जाता है कि माइनस सिक्स प्राप्त हो। अब यहां देखिए इसको करेंगे, माइनस वन माइनस वन माइनस ले धरेगा तो प्लस सिक्स हो जाएगा, बराबर एक्स आ जाएगा। अब यहाँ देखिए पॉजिटिव का संख्या बड़ा है, नेगेटिव का संख्या छोटा है, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा सिक्स में से वन घटेगा तो फाइव आ जाएगा। ये आपका आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर फाइव को देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फाइव यहाँ देखिए, बाई हाउ मच लेस देन माइनस टू इज माइनस सिक्स, बोला जा रहा है माइनस टू में क्या घटाया जाए कि माइनस सिक्स प्राप्त हो। इस तरह क्वेश्चन आप कर लीजिए फाइव, है ना। सिक्स में क्या है, सिक्स में उस तरह का सेवन, सेवन है उस तरह का एट, एट में एट में देखिए बच्चों, एट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर एट को देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन एट जो है, भाग मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम माइनस थ्री, बोला जा रहा माइनस थ्री में, माइनस थ्री में क्या घटाया जाए कि प्राप्त कितना हो जाता, माइनस नाइन हो जाता है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ देखिए बच्चों माइनस थ्री है, माइनस थ्री माइनस उधर जाएगा तो कुछ क्या जाएगा, प्लस, यहाँ ए सी थ्री चलाएगा तो कुछ आएगा प्लस नाइन इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू नाइन में से थ्री घटेगा तो सिक्स आ जाएगा, ये आपको क्या आएगा आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन को देखेंगे, नाइन में क्या बच्चों, ऑन सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम माइनस फाइव वी गेट, अब बोला जा रहा ऑन सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम सिक्स फ्रॉम माइनस फाइव, माइनस फाइव में
माइनस फाइव में से सिक्स को क्या करना है, घटाना है बच्चों। तो माइनस फाइव और यहाँ माइनस सिक्स करें बच्चों, तो माइनस फाइव और माइनस सिक्स करें तो माइनस देगा आया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और साइन जो होता है क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर टेन को देखें। क्वेश्चन नंबर टेन भी उस तरह का बच्चों, क्वेश्चन नंबर टेन के बाद इलेवन को देखते हैं। ठीक है, इलेवन देख लीजिए, इलेवन माइनस सिक्स थर्टी सिक्स बच्चों और डिवाइड माइनस नाइन, ठीक है, इक्वल टू फाइव। देखिए इसको डिवाइड करना है, तो सबसे पहले डिवाइड जो है माइनस थर्टी सिक्स, इसको डिवाइड करें तो माइनस नाइन आ जाएगा, माइनस नाइन कट जाएगा बच्चों, नाइन से कटेगा तो फोर आ जाएगा, यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व को देखें, चलिए यहाँ है जीरो, जीरो डिवाइड माइनस फाइव, ठीक है बच्चों, तो जीरो डिवाइड को करेंगे तो क्या आ जाएगा, गुना वन बटा माइनस फाइव। अब यहाँ देखो जीरो को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई किया जाता है बच्चों, जीरो को किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा जीरो, तो देखिए जीरो बटा माइनस फाइव, जीरो बटा माइनस फाइव इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो बटा माइनस फाइव इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यहाँ इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अच्छा ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्टीन है माइनस एट डिवाइड जीरो, ठीक है बच्चों, तो माइनस एट डिवाइड जीरो है, इसको लिख सकते हैं माइनस एट बटा जीरो। देखिए बच्चों यदि अंश के रूप में कोई भी रेशनल नंबर या प्राकृत संख्या हो तो उसका जो अवहार में जीरो हो बच्चों, तो उसका वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट होता, अनंत होता, ठीक है बच्चों, इनफाइनाइट, इसलिए इसको हम इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं या नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं, नॉट डिफाइंड है ना। ठीक है, नॉट डिफाइंड, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर थर्टीन का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन थर्टीन का आंसर सी हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन फोर्टीन, क्वेश्चन नंबर फोर्टीन को देखें, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट, इसमें देख बोला जा रहा बच्चों कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है, तो देखिए ऑप्शन नंबर, इसको ऑप्शन से हमको करना होगा, तो माइनस इलेवन ग्रेटर देन माइनस सिक्स है ना बच्चों, तो देखिए यह इसका कहने का मतलब हुआ बच्चों कि माइनस एट से माइनस इलेवन बड़ा है, तो सही बात है कि माइनस इलेवन बड़ा है माइनस एट छोटा है, नहीं, या माइनस एट की संख्या रेखा पर निगेटिव वाला संख्या जब पहले आता तो बड़ा होता है और बाद में आता तो क्या होता है, छोटा होता, इसलिए इसका स्टेटमेंट कहना गलत है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसी का बी ऑप्शन में है बच्चों, बी ऑप्शन में है, देखिए माइनस इलेवन, माइनस इलेवन लेस देन माइनस एट, देखिए अब बोला जा रहा है कि माइनस एट बड़ा है माइनस इलेवन छोटा है, सही है, ट्रू, क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है, ऑप्शन को क्यों जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, फोर्टीन का चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन आते हैं, देखिए द सम ऑफ टू इंटीजर इज सिक्स इफ वन ऑफ देम इज माइनस थ्री देन द अदर नंबर, है बच्चों, देखिए सम ऑफ टू इंटीजर, सम ऑफ टू इंटीजर इक्वल टू सिक्स है, तो देखिए सबसे पहले सम ऑफ टू इंटीजर, इंटीजर इक्वल टू सिक्स है बच्चों, और फर्स्ट इंटीजर दिया हुआ, फर्स्ट इंटीजर दिया हुआ माइनस थ्री बच्चों, तो हमको क्या निकालना है, सब सेकेंड, ठीक है बच्चों, तो देखिए फर्स्ट इंटीजर प्लस सेकेंड इंटीजर, फर्स्ट प्लस सेकेंड इक्वल टू सिक्स हो जाएगा, है ना, यहाँ पर देखिए फर्स्ट इंटीजर आपका दिया हुआ माइनस थ्री प्लस सेकेंड, ठीक है, सेकेंड इंटीजर इक्वल टू सिक्स, यहाँ सेकेंड इंटीजर इक्वल टू यानी निगेटिव वाला होता जाएगा तो पॉजिटिव, तो सिक्स प्लस पॉजिटिव, ठीक है, आ जाएगा, तो यहाँ क्या रह जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का, नाइन। चलिए इस तरह से सिक्सटीन उस तरह का, सेवनटीन उस तरह का बच्चों, क्वेश्चन नंबर एटीन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर एटीन को देखेंगे, देखिए
क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए बच्चों। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस सिक्स कीजिए। बोला जा रहा है माइनस सिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों? तो देखिए इसका जो बोला जाएगा आपको इसका एडिटिव इनवर्स, तो जो संख्या नेगेटिव में रहेगा उसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव होगा, और जो पॉजिटिव में रहेगा उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों? नेगेटिव होगा। तो यहाँ देखेंगे कि कौन सा संख्या नेगेटिव की पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है इसका सिर्फ हो जाएगा पॉजिटिव प्लस सिक्स आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है माइनस 15 मल्टीप्लाई 8 है प्लस फिर माइनस 15 है मल्टीप्लाई 2। इसमें से बच्चों क्या करना है, माइनस 15 को क्या करना है, कॉमन लेना है। तो माइनस 15 कॉमन ले लेंगे तो 8 प्लस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो माइनस 15 8 और 2 को करेंगे बच्चों तो 10 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस 150 आ जाएगा, है ना। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 20 में है माइनस 12 मल्टीप्लाई 6 है ना, फिर माइनस बच्चों माइनस 12 गुना 4 है इक्वल टू घाट बच्चों। देखेंगे बच्चों इसको करना है माइनस 12 माइनस 12 देखें कॉमन राशि है, माइनस 12 कॉमन लेंगे तो 6 माइनस क्या जाएगा 4 आ जाएगा। तो माइनस 12 और 6 में से 4 घटेगा कर 2, तो यहाँ खुद माइनस 24 आ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 भी उस तरह का है, क्वेश्चन नंबर 22 भी उस तरह का है ना। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है माइनस 27 माइनस 27 मल्टीप्लाई माइनस 16 और प्लस है माइनस 27 गुना माइनस 14 बच्चों। देखिए इसमें से माइनस 27 को क्या लेंगे कॉमन, जब कॉमन लेंगे तो माइनस 16 यहाँ क्या आ जाएगा प्लस माइनस 14 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो माइनस 27 इसको करेंगे बच्चों तो माइनस 16 अब प्लस माइनस माइनस 14 है ना। अब यहाँ इसको करेंगे बच्चों माइनस 27 हो जाएगा, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह जो है निगेटिव होगा नहीं बच्चों। यहाँ 16 और 14 को ऐड करेंगे तो 30 आ जाएगा है ना, 30 आ जाएगा बच्चों। अब इसको गुना कर देंगे 87 81 810 आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है उस तरह का, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 इसके पिछले वाला है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं, भाग डिवाइड माइनस एट है बच्चों इक्वल टू माइनस। यहाँ पर देखिए यहाँ नए भाग है, या तो एक्स भी मान सकते हैं, वाई भी मान सकते हैं, जेड कुछ भी मान सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ हम एक्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए इसको जो है भागा किसको माइनस एक गुना हो जाएगा इक्वल टू क्या है बच्चों माइनस का, इसको क्रॉस से गुना करेंगे बच्चों, इसको इससे गुना करेंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस एक 500 है ना, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा 8 40 आ जाएगा बच्चों। यही आपको क्या है आंसर आ जाएगा है ना। आज का एक्सरसाइज जो है 180 आपका समाप्त हुआ 124 तक है ना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है बच्चों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा मनोबल आगे बढ़े और आप लोग के लिए हम ऐसे ऐसे वीडियो बनाते रहें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।